तो आइए जानते हैं स्मोकिंग छोड़ने से क्या क्या फायदे होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखिए और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। स्मोकिंग छोड़ने के बहुत सारे फायदे हैं जो लगभग तुरंत ही शुरू हो जाते हैं। आपकी आखिरी बीड़ी या सिगरेट खत्म होने के 20 मिनट के अंदर ही आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। 12 घंटे बीतने पर जहरीले कार्बन मोनोक्साइड का प्रमाण कम हो जाता है, जिससे ब्लड की ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता बढ़ती है। एक दिन के बाद हार्ट अटैक का खतरा कम होने लगता है, क्योंकि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। 2 दिन बीतने पर नसों के छोर जो सूंघने और स्वाद पहचानने का काम करते हैं उनमें सुधार होना शुरू हो जाता है। 1 महीना बीतने पर फेफड़ों का स्वास्थ्य सुधरने लगता है। खांसी और सांस लेने की तकलीफ दूर होने लगती है। सीलिया नाम के नाजुक रेशों की हालत कुछ ही हफ्तों में सुधरने लगती है और 9 से 10 महीनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। स्मोकिंग छोड़ने के बर्थडे के दिन यानी 1 साल बाद नसों की हालत सुधरने पर हार्ट डिजीज होने का खतरा आधा हो जाता है। 5 साल होने पर ब्लड क्लॉट या खून की गांठ होने का खतरा बेहद कम हो जाता है और स्ट्रोक होने के चांसेस भी घटते रहते हैं। 10 साल के बाद लंग कैंसर होने का खतरा आधा हो जाता है, शायद इसीलिए कि शरीर की डीएनए को रिपेयर करने की ताकत वापस आ जाती है। 15 साल के बाद तो दिल की बीमारी होने का खतरा उतना ही रह जाता है जितना एक नॉन स्मोकर का होता है। हालांकि ये सब करना इतना आसान तो है नहीं। स्मोकिंग छोड़ने से बेचैनी और डिप्रेशन होता है, पर थोड़े ही दिनों में ये सब खत्म हो जाता है। और आजकल तो सिगरेट की लत छुड़ाने वाली च्युइंग गम और स्प्रेज भी मिलते हैं, और इन सब के अलावा दृढ़ इच्छा शक्ति भी जरूरी है। और इन सब से भी बात ना बने तो कैंसर पेशेंट से जाके मिलो, आपकी फटके हाथ में ना आ जाए, मेरा मतलब आपकी लत जरूर छूट जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। क्या जाता है यार, बस एक बटन ही तो दबाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।